अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अफाक, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं एक जगह पर आया हूँ, समझ तो आप गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ मैं एक होटल में हूँ, लेकिन इस होटल में आने से पहले की एक छोटी सी स्टोरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो स्टोरी क्या है, वो ये है कि मैं अपने दोस्त उमर से डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग माई यूट्यूब चैनल कि यार क्या वजह व्यूज़ नहीं आ रहे, मेहनत इतनी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि भाई कंटेंट मिक्स है, यानी सभी काम हो रहा है। मैं रोड शो भी कर रहा हूँ, लोगों से जाके मिल रहा हूँ, और व्लॉगिंग हो रही है, फूड व्लॉग हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, ठीक है, साथ साथ नाच भी हो रही है, तो हर चीज़ ही हो रही है। तो उसका मैंने कहा यार अब कुछ करना पड़ेगा। देन हमने डिसाइड किया कि आज के बाद अब सिर्फ मेरे चैनल पर आप देखेंगे ट्रैवल व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स, होटल रिव्यूज़ और कुछ अपने दिल की बातें जो कि सोशल इश्यूज़ पर होंगी वो आप डिस्कस होंगी। तो अब ऐसा है कि यार मैं बताऊं कहां पर हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीच लग्जरी होटल पे, जो कि अवारी की एक चेन है। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त बीच लग्जरी के रूम में। चले स्टार्ट से लेते हैं, हुआ क्या। सबसे पहले मैं होटल में एंटर हूँ, होटल में एंटर होने के बाद मैं रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे गया तो एक भाई खड़े थे प्यारे से, उन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक दिया, मैंने वो दिया। उसके बाद वो रूम में चेक इन किया, तो रूम में एंटर हो गया हूँ, रूम 403 है मेरा। तो आए आपको सबसे पहले मैं रूम दिखा दूँ। बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब स्विमिंग के लिए जाए। मैंने कहा यार गोप्रो लिया तो क्यों ना गोप्रो की कुछ शूटिंग की जाए। फिर मैंने गोप्रो के कुछ शॉट्स जो कि अभी आप देखेंगे। अच्छी बात ये थी कि यार पानी जो था ना वो बिल्कुल थर्मोस्टेट कंट्रोल था, यानी ना ठंडा था ना बहुत ज़्यादा गर्म था, एक अच्छे टेम्परेचर पे पानी था जिसमें स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आया। स्विमिंग करने के बाद आई केम बैक टू माई रूम अगेन। रूम में आने के बाद मैं नहाया, नहाने के बाद मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मैंने चाय ऑर्डर की।
क्योंकि मैं सनसेट पे ये भी मिस नहीं कर सकता. चले आए आपको टी शर्ट चेंज की, नमाज पढ़ी. नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं निकल पड़ा जिम के लिए. तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि जिम कैसा है. मैंने यहाँ जिम के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं किया, यानी लाइक बाइसेप एंड ट्राइसेप और शोल्डर्स चेस्ट. मैंने सिर्फ सिंपली और उनके जो इक्विपमेंट्स यूज किए. जिम से निकलने के बाद मैं थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना यार होटल को थोड़ा घूम लिया जाए. होटल घूमा, थोड़ा सा ही आगे गया तो देखा कि वहां पर सी फ्रंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है. मैंने कहा क्यों ना यार यहाँ चला जाए. रेस्टोरेंट विजिट किया, वहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, मैच चल रहा था, बहुत मज़ा आया मुझे. तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये लोग क्या क्या जो है वो बूफे में दे रहे हैं. काफ़ी सारे आइटम्स थे बूफे के अंदर और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आइटम्स थे. उसके बाद देन आई केम बैक टू माई रूम, आई ऑर्डर्ड डिनर. डिनर ऑर्डर करने के बाद मैंने डिनर किया और फिर मैं सो गया. रात को चैन की नींद सोने के बाद मैं सुबह उठा. सुबह उठने के बाद फ्रेश हुआ. फ्रेश होने के बाद मैं जल्दी जल्दी से नाश्ते के लिए निकल पड़ा. काफी सारे आइटम्स ये लोग नाश्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं. मैंने पेट भर के नाश्ता किया. नाश्ता करने के बाद फिर मैं वापस रूम में आया. रूम में आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, पैकिंग की और अब मैं आपके सामने हूँ. सबसे पहले जो है ना थैंक्स करना चाहूँगा बीच लग्जरी होटल के जो है वो मैनेजमेंट को कि उन्होंने मुझे परमिशन दी. स्पेशली मिस नेहा, शी सपोर्टेड मी एंड शी गेव मी डिस्काउंट. तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा. मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ आएँ. इकोनॉमिकल चार्जेस में आप एक अच्छा जो है वो हॉलीडे इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर. वेल, क्या आपका भी बीच होटल आए हो? और अगर आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. तो भाई अब ऐसा है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना. ज़रूर आना यहाँ पर और नाइट स्टे करना, बहुत मज़ा आया. तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.